कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? हमें देखना होगा। जैसे ही मैं इशारा दूं, सामने की मशालें बुझा देना। पर सरदार जी, कुत्ते हमें सूंघते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं। उनकी फिक्र मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही मैं इशारा दूं, मशालें बुझा देना। खून की महक जिस दिशा से आएगी, कुत्ते उसी तरफ जाएंगे। मुझे किसी तरह इन कुत्तों को भगाना होगा। ये मशाले कैसे बुझी? पता नहीं, सोते हुए पहरा दे रहे थे क्या? चलाओ इसे। क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन हो तुम? पंजाब का रखवाला, सुकर चकिया रियासत का सरदार रणजीत सिंह। तो भाग गए थे। शेर भागते नहीं है ज़मानशाह, बस घाट लगाए इंतजार करते हैं सही वक्त का। और अब से मेरा सही वक्त शुरू होता है और तेरा बुरा वक्त। अगर तुम हमारे यहां मेहमान बनकर आए होते तो हमारी मेहमान नवाजी देखते रह जाते, पर तुम दुश्मन बनकर आए हो। अब हमारी दुश्मनी का स्वाद भी चख लो।
अच्छा लगा तुमसे मिलकर रंजीत सिंह। मानना होगा तुम सच में पंजाब के शेर हो। जहां एक तरफ सारे सरदार अपनी रियासतों को छोड़कर भाग गए, वहीं दूसरी तरफ तुम इतनी छोटी सी उम्र में हमारा सामना करने के लिए तैयार हो। और अफसोस कि तुम हो तो शेर, पर तुम यहां तक पहुंचे कछुए की रफ्तार से धीरे धीरे। जो कहना है साफ साफ कहो जमानशाह। तुमने यहां पर आने में बहुत देर कर दी रंजीत सिंह। पंजाब का सारा खजाना लेकर हमारी फौज काबुल के लिए रवाना हो चुकी है। अब हमें मार कर या फिर हमें बंदी बनाकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। हमने तुम्हें शिकस्त दे दी है रंजीत सिंह। शिकस्त बाजी में होती है, बाजू में नहीं। हमारे पंजाब का है वो हमारे पंजाब में ही रहेगा। हिंदुस्तान का खजाना कोहिनूर। याद रखना जमाशाह, एक दिन मैं तुमसे ये कोहिनूर भी आजाद कर हिंदुस्तान में वापस लेकर आऊंगा। पहले पंजाब का खजाना तो हासिल कर लो रंजीत सिंह। पंजाब का खजाना तुम खुद मुझे वापस करोगे। बाइज्जत सपने देखना बंद करो और हकीकत का सामना करो। तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। मेरी मौत का फैसला वाहेगुरु करेंगे समानशाह, तू नहीं। सैनिकों, सैनिकों पीछा करो। तुम्हारा जिंदा लौटना नामुमकिन है रंजीत सिंह। जिंदा तो मैं लौट जाऊंगा, पर तुम सबको तमीज सिखाकर। फरादी माफ कर दीजिए हमें। तमीज़